दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 9 दिसंबर को वर्ल्ड एंटी करप्शन डे मनाया जाता है। इस तनाजुर में गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 राजनपुर के हॉल में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आरिफ रहीम, नेशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सिफातुल्ला, असिस्टेंट डायरेक्टर नैब आसिफ अमानत और तमाम महकमों के अफसरान, मीडिया नुमाइंदगान, उस्तादा और तालिबे इल्मों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर राजनपुर आरिफ रहीम और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि करप्शन से मुआशरे खोखले हो जाते हैं और बदनवानी की वजह से महकमों की साख और इतमाद मख्तूश होने के साथ जमहूरी असूलों और इखलाकियात और किसी भी मुल्क की पायदार तरक्की और इन निज़ाम इंसाफ और कानून की हुक्मरानी को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। मुकर्रीन का कहना था कि बदनवानी का हर सतह पर सदबाब लाजमी है और करप्शन के अफरियत को काबू करना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि करप्शन की पेकनिक से ही मुल्क को मुआशरे से तरक्की की मनाजिल तय करते हैं।